जैसे रामचंद्र जी के समय अथवा जैसे आज कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे ही कृष्ण जी के समय भी भौंकते होंगे, ऐसे ही रामचंद्र जी के समय भी भौंकते थे। तब भी कुत्ते भौंकते ही थे, आज भी भौंकते हैं। ऐसा क्यों होता है, इनमें अंतर क्यों नहीं हुआ? मनुष्य तो बचपन में बोलता नहीं है ना, बाद में तो भी बोलता है, लेकिन कम से कम सिखाने पर तो बोल लेता है ना। कुत्ते तो सिखाने पर भी नहीं बोलते। जाति जैसी होती है सदैव वैसी ही रहती है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कुत्ते जैसे भौंकते हैं वैसे श्रीगाल चिगाड़ते हैं, शेर दहाड़ते हैं, गाय रंभाती है। तो यहाँ अपने को ये लेना है कि कुछ चीज़ें ऐसी है संसार में जो कभी नहीं बदलेंगी। लाख साल पहले भी वैसी थी, आगे लाखों साल आगे भी वैसी रहेंगी। ऐसी अनेक चीजें हैं यहाँ जो कि नहीं बदलने वाली है, अर्थात इनमें जो नहीं बदलती है वो क्या होती है? जाति होती है। जाति कभी नहीं बदलती है, और जो बदलती है वो होती है व्यक्ति। व्यक्ति 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 तो व्यक्तियाँ अनित्य होती है, वो बदलती रहती है, वो कभी एक जैसी नहीं रहती है, उसमें रोज परिवर्तन होता रहेगा। लेकिन जाति में कभी परिवर्तन नहीं होता है, वह एक जैसी ही रहती है। कुत्ते में जो परिवर्तन जो हो रहा है, अब यहीं से ले रहा हूँ, उसमें जो परिवर्तन दिख रहा है वो उसकी व्यक्ति है, और जो परिवर्तन नहीं दिखता है बचपन से जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जो वही वही रहता है उसमें, वो जाती है। आवाज नहीं, जो उसमें एक संघात विशेष है, अवयवों का जो संघात है वह व्यक्ति है, लेकिन उसका जो क्रम विशेष है, नियत जो क्रम है उन्हें अवयवों का, आकृति विशेष, वो जाती है, वो नहीं बदलेगा। उसके पैर वैसी रहेंगे, कान वैसी रहेंगे, पूंछ वैसी रहेंगी, कुत्ते की पूंछ प्रसिद्ध है, है? हाँ, तो उसकी प्रसिद्ध है कुत्ते की सींग पूंछ वहीं की वहीं रहती है, टेढ़ी की टेढ़ी, वैसे सीधी कर लेता है। जब कुत्ते को यानी कुछ लगता है कि मैं हूँ, तब उसकी पूंछ टेढ़ी हो जाती है। जब लगता है कि डर कुछ होगा, नहीं डरता है, तो पूंछ टेढ़ी सीधी हो जाती है, नीचे गिर जाती है। ऐसे डरतस में कुत्ता कभी पूंछ ऊपर नहीं करेगा, और जब नहीं डर रहा है तो कभी नीचे नहीं करेगा, फिर ऐसे रहते हैं बिच्छू की तरह घूमे हुए रहते हैं। और बीच का होगा तो बीच का करेगा, डर भी सकता है या वो रहता है संशय में, नहीं एक तरह से सावधान रहता है कुछ करने के लिए, उस समय खड़ी हो जाती, सीधी हो जाती पूंछ उसकी। जो भी है, कुत्ते में कभी सींग नहीं आएगा, बकरे का सींग कभी जाएगा नहीं, उसमें सींग रहेंगे ही रहेंगे।
ऐसे संसार में पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं जो कभी नहीं बदलने वाली हैं। और उन्हीं में से कुछ है जो कि बदलती है, लेकिन इस परिवर्तन में भी एक विशेषता ये है कि एक सीमा के अंतर्गत ही परिवर्तन होता है। यानी व्यक्तियों में जो परिवर्तन होता है, जो भेद होता है, वो जाति के अंतर्गत रहते हुए, जाति से बाहर जाके परिवर्तन नहीं होता है, उसके परिवर्तन भी नियत होते हैं। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद इतना होगा, इसके बाद नहीं रहेगा। ये ही दो चीजें जो हैं, या दो पदार्थ कहेंगे, सर्वत्र विद्यमान है, इतने ही है। पूरा विश्व कहेंगे या जो कुछ भी है, इन्हीं दो भागों में बटा हुआ है। एक विभाग जिसमें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और दूसरा विभाग है जिसमें कुछ नियत परिवर्तन होंगे। इससे अतिरिक्त जो होता है परिवर्तन, वो फिर गिनती में नहीं आता है, वो अनिश्चित है, वो अनित्यता के कारण होंगे। यानी वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उस परिवर्तन का भी जो ज्ञान होता है, यानी किसी चीज़ में कमी है या अधिकता है, ये तभी ज्ञान होगा जब उसका एक मध्य सुनिश्चित स्थिति हो। बिना सुनिश्चय के कम अधिक का भी परिज्ञान नहीं हो सकता है। जैसे कि आप कहेंगे कि ये कम है, ये छोटा है, इसका मतलब है किसी अपेक्षा से है, ये इतना बड़ा होता है, ये तो बड़प्पन भी वहाँ निश्चित होगा, किसी के आधार से कह रहे हैं। या कभी कहते हैं ये बड़ा है, अधिक है, उसमें भी होगा, कोई एक मध्य में है। तो जो मध्य है वस्तुतः, वो सुनिश्चित जो होता है वही मध्य कहलाता है। उसी सुनिश्चय के कारण से हम किसी को कह सकते हैं ये कम है या अधिक है। अगर वो सुनिश्चित नहीं होती चीज, तो कम अधिक का पता नहीं चलता, कह नहीं सकते थे ये कम है कि ये अधिक है। अब अपने को लेना है इसमें, मुख्य प्रयोजन ये है अपना, जब हम किसी विषय को इस रूप में जानते हैं कि ये ऐसा ही रहेगा, अब इसमें परिवर्तन नहीं होना है, वो क्या होता है, हमारा विवेक ज्ञान कहलाता है। जिस विषय में भी ऐसी बुद्धि बन गई कि अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, ये ऐसा ही रहेगा, तो ये जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है, यही विवेक और वैराग्य के अंतर्गत आता है। तो जहां जहां ऐसा लग रहा है कि अब ये और नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो समझना चाहिए कि उस विषय में अपना विवेक है, और उसका लक्षण है कि वहाँ पर वैराग्य मिलेगा। यानी वैराग्य का मतलब होता है उसमें और जिज्ञासा नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी, यानी कि जैसा है ये ऐसे रहेगा, अब इधर उधर नहीं होगा, नित्य है। हाँ, नहीं, जहाँ भी हो गया ये तो इतना ही होता है, और वो यथार्थ यदि है, माना हुआ नहीं है, वस्तु के आधार पर ही अगर ज्ञान हो गया है, जैसे थाना भी ये ज्ञान हो गया कि कुत्ता है, वो भोंकता ही रहेगा, अब इस ज्ञान में कभी भेद होगा क्या, गलत इसको कोई कर सकता है क्या, कभी नहीं गलत होगा। तो अब ये विवेक ज्ञान है, तो अब ये लक्षण होगा कि इस बात में कुत्ता भोंकता है, भोंकता रहेगा, तो इसमें लगता ही नहीं कि विशेषता है, इसमें जिज्ञासा नहीं होगी, इस विषय में आसक्ति नहीं होगी कुछ। हाँ, ये मेरा गया, जहाँ जहाँ ऐसा रहेगा वहाँ वहाँ
यानी वैराग्य रहेगा, वहाँ वहाँ वैराग्य होगा, जहाँ जहाँ इस प्रकार का सुनिश्चित ज्ञान हो गया कि अब तो कुछ नहीं होना इसमें, ऐसे ही रहता है, अब जिज्ञासा नहीं रहेगा, उसमें जानने की इच्छा नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी, कोई विशेषता नहीं दिखेगी। यानी यही वैराग्य होता है, यही विवेक होता है, जो ज्ञान हमारा कभी नहीं बदलने वाला है, विषय के अनुरूप हो गया, वो ही विवेक कहलाता है। और उसमें अब आसक्ति नहीं होगी, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, और इसको जानूं, ये प्रवृत्ति जो नहीं होना है, ये वैराग्य होता है। तो जातियों के विषय में विवेक वैराग्य रहता है, लेकिन वहीं पर फिर क्या होती है, जिज्ञासा भी होती है। तो अब ये इसका मतलब हो गया कि अब वो उसमें ज्ञान ठीक नहीं है, उसमें विवेक नहीं है, नहीं व्यक्ति के बारे में विवेक नहीं है, व्यक्ति में निरंतर जिज्ञासा होती रहती है, अब ऐसा होगा, कैसा होगा, पता नहीं क्या होगा, आगे देखते हैं क्या होगा। तो वहाँ जिज्ञासा भी मिलेगी, आश्चर्य भी होगा। तो आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि उसमें स्थिर ज्ञान नहीं हो रहा है, यानी अभी क्या होगा ये ऐसा निर्धारित नहीं हो रहा है। तो निर्धारित जो नहीं होना है किसी विषय का, यही क्या होता है उसका, उस विषय में अविवेक होता है। इसी के कारण से फिर आश्चर्य होता है, जिज्ञासा होती है, और इसी कारण से उस विषय के बारे में फिर से प्रवृत्ति होती है उसको लेने की, उसको रखना है कि छोड़ना है, इस हेतु से फिर उसमें संबंध होता है उसका। तो अब इस संसार के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए कि हमको जो इस विषय में निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो रहा है, तो अब ये देखना चाहिए कि इसमें एक ही पदार्थ में, यानी एक ही आश्रय में ये दोनों ज्ञान हो रहा है क्या। कुछ ज्ञान तो ऐसा हो रहा है कि ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन कुछ हो रहा होगा कि अभी पता नहीं क्या होगा। तो वहाँ पर दो विभाजन करके देखना चाहिए। सामान्य रूप से हम अपनी बुद्धि में पूरे के बारे में अनिश्चय ही करते हैं। व्यक्ति में जो अनिश्चय होता है उसको हम जाति में भी ले लेते हैं। कुत्ता जो व्यक्ति है वो अभी छोटा था, पिल्ला होता है, तो वो देखने में अच्छा लगता है पिल्ला, तो वो अच्छा अभी इसलिए लग रहा है कि वही बड़ा होगा, वही फिर बूढ़ा हो जाएगा, वही काट भी सकता है, ये आगे जो होने वाली चीज़ें हैं वो वहाँ नहीं अभी देखते हैं, इस कारण से उसमें कौतूहल होता है। अब यहीं पर ये विचारणीय होता है कि हम ये कैसे कह रहे हैं कि ये आगे ऐसा हो जाएगा, ये अच्छा हो जाना चाहिए, इसको प्रशिक्षित हो जाना चाहिए, ये संभावनाएं करते हैं ना, वो संभावनाएं के आधार तो चाहिए, किस आधार पर करते हैं, यानी जब उसमें ये निश्चय नहीं है कि ये इतना हो सकता है, तो हम कैसे संभावना करेंगे कि इसको ऐसा कर देंगे। तो जब संभावना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें वो भी सुनिश्चित है। अगर सुनिश्चित नहीं होता तो संभावना किस आधार पर करते, उसमें तो होता ही ना, तो पता नहीं क्या होगा, और जिसमें हो जाएगी पता नहीं क्या होगा उसमें करना चाहिए ये नहीं होगा, फिर करेंगे तभी जब होगा कि संभावित है, इसमें ये हो सकता है। अगर रोटी के बारे में ये होगा कि पता नहीं पकती है कि नहीं पकती है, तो कोई पकाएगा क्या उसको, नहीं पका सकते, इसीलिए पकाते हैं कि ये पकती है निश्चित। तो अब इससे क्या बात आती है, जहाँ हमको कौतूहल अभी लग रहा है, जहाँ हमें पदार्थ अभी अनिश्चयात्मक लग रहा है, जिसमें हमको आश्चर्य हो रहा है,
वस्तुतः वहां भी सुनिश्चय है, सुनिश्चित स्थिति वहां पर भी है, है? नहीं, किसी के बारे में भी जब हम संभावना कर रहे हैं ना कि ये ऐसा होगा, तो उस संभावना का आधार क्या होगा? अगर वो पहले से नहीं है ऐसा, तो संभावना कैसे कर रहे हैं? तो इसी संभावना के कारण से ही तो हमको संशय हो रहा था ना, उसको अनिश्चित कह रहे थे, लेकिन वस्तुतः इस संभावना में ही निश्चय है। उसमें यह है कि वस्तुतः वहां उस जाति में ही वो व्यक्ति उसके अंतर्गत है ना, अंतर्गत होने के कारण वो भी सुनिश्चित ही है। हाँ, इसमें इतना हो सकता है, इतना होगा, हाँ ये आएगी, हाँ जाति के आधार पर उसके परिवर्तन यानी कितने हो सकते हैं ना, वो सुनिश्चित रहेगा, तभी तो उसकी जातियां बनेगी। एक एक जातियां भी तो अलग अलग बनती है ना, ये कुत्ता है, चूहा है, बिल्ली है, वो भी अब अलग अलग जाति है, तो सब में भेद है, तो भेद और किस आधार पर? अवयवों पर ही तो होगा ना, तो अवयवों का एक जगह जा करके वो सुनिश्चय है, और उसकी वही सुनिश्चितता जाति हो जाती है। तो इसका मतलब उसमें भी निश्चितता है, वो भी नियत ही है, अनियत नहीं है। व्यक्ति भी वस्तुतः नियत ही है, वो भी अनियत नहीं है। तो अब जैसे एक मनुष्य शरीर में हो गया, ऐसे पशु पक्षी में हो जाएगा, ऐसे पेड़ पौधे में है, सब में। तो अंत में यह होगा कि वस्तुतः संसार में कुछ भी अनिश्चित नहीं है, सारे के सारे एक अवस्था में जाकर के सुनिश्चित ही है। इसी के आधार पर क्या होता है, सांख्यिकी भाषा में इसको कहते हैं अभिव्यक्तिवाद। यानी सांख्य के अनुसार कोई भी चीज कभी उत्पन्न नहीं होती है, अनित्य यानी कि अभाव से भाव नहीं होता है, भाव से ही भाव होता रहता है। यानी पहले से जो है वही अब है और वही आगे भी रहेगा। हाँ, बस व्यक्ति होगा वो, लेकिन वो कुछ नया नहीं होगा। कहने का मतलब है कि कुछ भी नया नहीं होता है कभी भी, सब के सब वही के वही होते हैं, पुराने के पुराने ही होते हैं। तो यही जो ज्ञान होता है, यानी जब चारों ओर ऐसी बुद्धि हो जाएगी इसमें कुछ नहीं होता है नया, ये वही का वही रहता है, तो यही क्या होता है, अंतिम विवेक कहलाता है। यही अवस्था मुक्ति की या मोक्ष की होती है। इसके विपरीत जब तक लग रहा है ये कुछ नया होने वाला है, ये वही नहीं है, ये कुछ दूसरा है, अलग है, तो यही क्या है, बंधन की स्थिति है। हाँ, ये जो कोतवल लग रहा है या नयापन लग रहा है, ये वही नहीं है, ये जो लग रहा है, तो जब तक ये लगता रहेगा कि ये वही नहीं है, तब तक समझना चाहिए कि ये बंधन की यही अविद्या होती है। जब तक लगेगा, एक तिनके में भी अगर लग रहा है आगे कुछ और होगा, पता नहीं क्या होगा, तो समझना चाहिए ये बंधन है, अभी मुक्ति नहीं होने वाली है। इस कारण से जब 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 तक ये लगता रहता है दिमाग में, और ये कहे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो ये बद्ध अवस्था होती है। और जब ये लग जाता है कि और क्या होना है, बस यही होगा, तो ये मुक्तावस्था होती है। लेकिन ये केवल काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। गीता वाला कहते हैं क्या था और क्या होगा, बोल करके अपना सो जाते हैं चादर ओढ़ के, वो तत्व ज्ञान में नहीं होता है। यानी अर्थता, यानी उसका, क्योंकि क्रम भी उसके अंतर्गत आते हैं नियत में,
इसके बाद ये क्रम होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। ऐसे जितने भी यहाँ चीज़ें हैं, गुण हैं ये सब, और ये गुण क्या हैं, प्रकृति के हैं। तो एक जगह जाकर के ये वैसे के वैसे हैं, यहाँ नहीं है वो, यहाँ तो कई मिले हुए हैं ये। तो इनका जो मौलिक रूप है, नित्य रूप है, वो यहाँ नहीं है अभी। तो यहाँ पर देखते हुए इसके, इसको उस क्रम सहित अगर यहाँ देख लेते हैं तब ये विवेक में आ जाएगा। जैसे कि रोटी में गेहूं भी अगर दिख रहा है तो गेहूं है, फिर आटा है, फिर पानी है और लोया है, ये सब अगर क्रम सहित अगर दिख रहा है रोटी में गेहूं, तब ये विवेक है। और केवल रोटी को मान लिया कि ये गेहूं है, अभी वो विवेक में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन होगा वो पता नहीं अभी। तो जो होना है आगे, जो अवस्था आनी है, वो अभी बुद्धि में तो नहीं है। तो जब बुद्धि में नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी वो कौतूहल में आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, मानने मात्र से नहीं होगा। वास्तविक में वो ध्यान रहना चाहिए। शब्दों से सब, पहले तो शब्दों से ही आएगा, हाँ हाँ, शब्दों के बाद फिर अनुमान करेंगे, क्योंकि यहाँ की कोई चीज़ें आज स्वरूपता तो आनी नहीं है। जैसे प्रलय की अवस्था है, ये तो कभी प्रत्यक्ष नहीं होगा ना, कैसे देखेंगे इसको, देख ही नहीं सकते। अपनी मृत्यु है, इसको कौन देखेगा, मृत्यु का प्रत्यक्ष तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जानना तो आज है। लेकिन और जानते भी हैं कि मर जाएंगे, मानते भी है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल हम परोक्ष को ही मानते हैं, प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, ऐसा तो है नहीं। जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको भी मानते हैं। तो ऐसे ही उस विषय में भी होगा कि जो प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता है, लेकिन जानना वर्तमान में ही है उसको, तो अब उसके लिए फिर अनुमान बचता है। तो शब्द के बाद अनुमान भी चलेगा, ये सब लंबी बात है। हाँ, ऐसे ही करते करते होगा ये, तत्काल जैसे किसी ने दो चार साल लगाए ना, इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा ये, ना इतनी जल्दी नहीं होगा ये। तो एक क्रम, चलो एक बारी पढ़ लिया, एक पाठ पूरा हो गया, फिर दोबारा उसका अभ्यास करेंगे, तो अब थोड़ा सा और अधिक उसी में ध्यान होगा। जैसे पहले दिन पाठ पढ़ते हैं ना, पूरा पूरा थोड़े आता है वो, शाब्दिक भी नहीं आता है पूरा, लेकिन दूसरी बार पढ़ते हैं तो उसे थोड़ा सा नया होता है, तीसरी बार पढ़ते हैं तो और थोड़ा नया ज्ञान होता है। ऐसे ही जितने जितने बार आवृत्ति करते जाते हैं, वो ज्ञानों में अंतर आता जाता है। ये शब्दों में भी होता है ऐसा, ऐसे अनुमान से भी होगा। फिर शब्दों से करते करते फिर अनुमानिक बुद्धि लगने लग जाएगी, क्योंकि अनुमान में अर्थ रहता है सामने। अनुमान जो होता है वो उसी अर्थ के भाव को लेकर किया जाता है, इसलिए वो शब्द से बलवान होता है। अनुमान प्रमाण सबसे अधिक सूक्ष्म होता है, एक तरह से कहें तो ये प्रत्यक्ष और शब्द से भी बड़ा होता है ये, कार्य की दृष्टि से। क्योंकि प्रत्यक्ष तो सभी का होता नहीं है, थोड़ा सा हमारा जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है बहुत थोड़ा होता है, और जो शाब्दिक ज्ञान होता है वो उसमें बस वस्तु होती नहीं है, वो दूसरे के निर्णय होते हैं, वो अपना निर्णय भी नहीं होता है। तो अब बाकी बचता है फिर दोनों से अतिरिक्त अनुमान जो होता है। अनुमान जो होता है ये, इसमें कोई ऐसा विषय है ही नहीं जो नहीं इसका बनता है। वर्तमान विषयों में भी अनुमान चलता है, जो विद्यमान विषय हैं, बस केवल परोक्ष होना चाहिए, अनुमान उसमें भी चलता है। जो विषय नहीं रहा, घट भूत में चला गया, अनुमान उसमें भी चलता है, और जो अभी होने वाला है अनुमान उसमें भी चलेगा। तो अनुमान की जो पहुंच होती है वो तीनों कालों में होती है, और अपने को उससे जोड़ती है। प्रत्यक्ष केवल वर्तमान वर्तमान का होता है, और शब्द प्रमाण होता तो तीनों का, तीनों से संबंधित होता है। ये भी अनुमान से भी संबंधित होगा, भूत से भी होगा, वर्तमान से भी, लेकिन ये चूंकि अपने से नहीं जोड़ता है, हाँ, निर्णय हमारा नहीं होता है इसमें, दूसरे को मान के चलना होता है इसमें। तो अर्थ इसमें थोड़ा सा अपने से पृथक रहता है, अर्थ के साथ संबंध नहीं होता है शब्द प्रमाण में, अनुमान उसमें से होता है,
अर्थ के साथ जोड़ता भी है ये, और तीनों कालों में होता है। यदि सर्वाधिक काम जो होता है हमारा वो अनुमान के आधार पर होता है, व्यवहार जितने भी आप कर रहे हैं ना अधिकतम अनुमान चला के आधार पर करते हैं, शब्दों पर भी नहीं जानते, क्योंकि शब्द तो एक जगह रखे रह जाते हैं। काम हमको अभी लेना है, वस्तु दिखनी नहीं है। जैसे अब यहाँ से उठ करके दरवाज़ा खोलेंगे तो अगर आपको ये पता नहीं होगी सिटकनी इधर उधर जाती है तो कैसे करेंगे उसको फिर? हाथ चलाते ना, अंधेरे में हाथ क्यों चला देते? ये इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो खुल जाएगा, तो ये अनुमान ही तो है। और क्या है, स्मृति तो है ही नहीं, और साक्षात काम कर रहे हैं। तो ऐसे कितने सारे अधिकतम काम हमारे जो होते हैं वो अनुमान से होते हैं। तो इसलिए व्यवहार में जैसे अनुमान का प्रयोग करते रहते हैं वैसे परमार्थ में भी करना चाहिए, लोक के विषय में, परलोक के विषय में या संसार के विषय में। इसी प्रकार से इनमें सभी में क्या होती है, एक सुनिश्चित अवस्था है, तो उस सुनिश्चय का परिज्ञान करते रहना चाहिए। और करते करते जिस दिन ये हो जाएगा समझना चाहिए कि अब बुद्धि का काम हो गया। ख्याति परिवर्षानम चित्त चेष्टितम इति। तो जब तक ख्याति हो जाएगी, विवेक हो जाएगा, उसके बाद चित्त की चेष्टा बंद हो जाएगी, बुद्धि अब नहीं चलेगी, उसके बाद बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो उसी को कहा है स्थिरांग गति, वो एक श्लोक है कट का, यदा पंचावतिष्ठन्ते जानामि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते ताम आहु परमां गति। यानी जब पांचों इंद्रियां रुक जाती है और बुद्धि नहीं चलती है, बुद्धि नहीं चलने का अर्थ होता है कि उसका इतना सुनिश्चित ज्ञान हो गया, अब और ज्ञान करने की अपेक्षा नहीं रही, उसका नाम है बुद्धि का निश्चित होना, स्थिर बुद्धि। तो यही बुद्धि का जो निश्चय है यही परम गति कहलाती है, यही मोक्ष की स्थिति होती है। तो इसको बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए।